जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट में। मैं ध्रुव जानी। दोस्तों, आज का जो यह विषय है हमारा, उसका जो आधार है वह परसों एक आई समाचार है, और समाचार कश्मीर से आई है, दक्षिण कश्मीर से आई है, जिसमें एक इन्फिल्ट्रेशन बीड हो रही थी आतंकवादियों की तरफ से, और उसको हमारे सुरक्षा बलों ने एकदम सफलतापूर्वक फॉल कर दिया है, उसको विफल कर दिया है। उसी के तहत जो मुठभेड़ हुई दोनों पक्षों के बीच में, हमारे सैन्य बल थे सामने, पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादी थे, तो दोनों के बीच में जो मुठभेड़ हुई, उस मुठभेड़ में दोनों पक्षों में नुकसानी हुई है। सामने भी जो है 3-4 आतंकवादी ढेर हो गए हैं, और एक का जो है सरेंडर हो गया, आत्मसमर्पण हो गया है, और दूसरी बाजू हमारी बाजू 4 हमारे सैन्य बल के जो जवान हैं वे वीरगति को जो है प्राप्त हुए हैं, और उसमें एक जो था वह आर्मी ऑफिसर था। दूसरी बात, यह लेख सिर्फ इतना सही नहीं है, एक दो इन्फिल्ट्रेशन के जो प्रयत्न हुए उससे सीमित नहीं है। यह दरअसल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, हमारी राष्ट्रीय एकता अखंडितता का मामला है। इसकी वजह से इसकी जो महत्वपूर्णता है वह हमारे लिए बहुत ही बढ़ जाती है, बहुत ही अधिक रहती है। दूसरी बात, यह पूरे लेख में हम लोग इस समाचार का आधार लेंगे, और उसके बाद हम लोग कुछ टेक्निकल बातें देखेंगे जो कश्मीर में होती आई है सिंस इंडिपेंडेंस, पिछले 70 सालों में पाकिस्तान का रोल देखेंगे यह पूरे सिनेरियो में, और जो कश्मीर में आज के समय जो सैन्य कानून लागू है, जिसे हम अफ्सपा कहते हैं, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट उसे कहा जाता है, उसकी भी बात करेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का यह सेशन। आपको टाइटल दृश्यमान है, कश्मीर को जन्नत से जहन्नुम बनाने वाला मुल्क पाकिस्तान, पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद और कश्मीर की स्थिति। तो इन मुद्दों पर आज जो है हम लोग थोड़ी बात करेंगे। देखिए, यह न्यूज़ है जो परसों आया है, 3 मिलिटेंट्स डेड इन कुपवाड़ा गन फाइट। मिलिटेंट्स यानी कि त्रासवादी, दोनों में डिफरेंस है। मिलिट्री पर्सोनल अलग होता है, मिलिटेंट जो होते हैं वे अलग होते हैं, यहाँ मिलिटेंट की बात हो रही है। फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सोनल यानी कि हमारे 4 जवान इंक्लूडिंग एन आर्मी ऑफिसर, एक एओ भी था जिसका कद जो है वो हमारी आर्मी में थोड़ा बड़ा होता है, जवाबदार व्यक्ति होता है। एंड 3 मिलिटेंट्स वर किल्ड नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल, विच मीन्स LOC। हम सबको पता है कि हमारी और पाकिस्तान की जो एक डिस्प्यूटेड बाउंड्री है कश्मीर के तहत, जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, वहाँ उस बाउंड्री को LOC करार दिया गया है, जो दरअसल एक युद्ध विराम है, एक सीज फायर है। इन नॉर्थ कश्मीर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑन संडे इन अ मेजर ऑपरेशन टू पुश बैक अ लार्ज ग्रुप ऑफ इन्फिल्ट्रेटर, यानी कि घुसपैठी। देखिए, यह पूरा मैप है हमारे सामने, और इस मैप में हमें जो पर्पल कलर का है वह कुपवाड़ा है, कुपवाड़ा सेक्टर कह लीजिए, कुपवाड़ा तहसील कह लीजिए, या डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए, और इसी के अंदर एक माचिल नामक सब सेक्टर है जो कि कुपवाड़ा में ही पड़ता है और LOC से बेहद करीब है। तो यहीं से जो आतंकवादी थे वे घुसने की ट्राई कर रहे थे, और आतंकवादी जो होते हैं वे पाकिस्तान प्रेरित होते हैं, पाकिस्तान की जो ISI है, वहाँ की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उससे प्रेरित होते हैं। वह ISI का इन टेररिस्टों के ऊपर जो है प्रभाव रहता है, इन टेररिस्टों को सहयोग देती है, और उसी के सहयोग से वे लोग भारत में आने की फिराक में बैठते हैं, और भारत में जितना हो सके उतना नुकसान जो है जानमाल का वह करने की फिराक में रहते हैं। तो दिस इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। देखिए, यहाँ भी हमारे पास एक मैप है, यहाँ इस मैप में हमें साउथ कश्मीर के सब जो डिस्ट्रिक्ट से या तहसील कह लीजिए आप, वो हमें दृश्यमान है। देखिए, कुपवाड़ा है, बांदीपोरा है, बारामुल्ला है, श्रीनगर हम लोग देख सकते हैं एकदम मध्य में है, पुंछ सेक्टर है, मीरपुर है, राजौरी है, रामबन है, अनंतनाग है, कुलगाम, सोपियान, पुलवाना, जो 14 फरवरी को 2019 में जो हमला हुआ था वह हमला दरअसल पुलवामा में हुआ था, और उसी हमले में कई सारे जवान हमारे शहीद हुए थे, लगभग 44 जवान थे हमारे जो कि वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो दिस इज द एंटायर मैप ऑफ कश्मीर, और जितना हमें यह मैप में दिख रहा है उतना आसान नहीं है। कश्मीर की टोपोग्राफी, मतलब कश्मीर की टोपोग्राफी को टैकल करना, वो एक बहुत ही कठिन टास्क समान है। ये हमें जैसे दिख रहा है वैसा अच्छा नहीं है,
लैंडस्केप से है, मगर मिलिट्री डोमिनेशन हमें अचीव करना हुआ रीजियन में, तो इट इज़ अ टफ जॉब। और हमारे जो सशस्त्र बल है वे उसे बहुत ही अच्छी तरीके से उसे अदा कर रहे हैं, उसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, उसे मैनेज कर रहे हैं यह पूरी टोपोग्राफी को। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द आर्मी कॉन्टेक्ट विथ अ बैच ऑफ इन्फिल्ट्रेटर, पूरी बैच थी 4-5-6 लोगों की, अटेम्प्टिंग टू स्नेक इन टू ए कुपवारा मचिल सेक्टर वॉज एस्टेब्लिश्ड अराउंड 1 AM। रात को पेट्रोलिंग पार्टी थी और पेट्रोलिंग पार्टी को ही इन घुसपैठियों के ऊपर उन लोगों की ही नज़र पड़ी कि भाई आप लोग कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो अभी। और इन दिस जो हमारे सशस्त्र बल थे उन लोगों को अंदाजा आ गया कि दिस आर इन्फिल्ट्रेटर, दिस आर टेररिस्ट, सो दे ओपनड फायर और दोनों के बीच में मुठभेड़ जो है वह चालू हो गई। उसके बाद ए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF पेट्रोल नोटिस द सस्पिशियस मूवमेंट नियर द एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम। देखिए, हम भी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग कर रहे हैं हमारी पूरी बॉर्डर को मैनेज करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी बहुत लंबी बॉर्डर है। प्लस मैंने आपको बताया कि कश्मीर की जो बॉर्डर है उसकी तो हमें बात ही नहीं करनी चाहिए, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट बॉर्डर, क्योंकि वहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है, वहाँ का टेरेन ऐसा है। तो इसी की वजह से कश्मीर की जो बॉर्डर है उसको मैनेज करना इट्स अ वेरी 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 टफ जॉब। हालांकि इंटरनेशनल बाउंड्री हमारी पाकिस्तान के साथ टोटल 4 states में है, मगर कश्मीर जो है वह बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही जो है कठोर है उसको मैनेज करना। नियर अफेंस, तो एक एंटी इन्फिल्ट्रेशन डिवाइस लगा हुआ था कि कोई भी उस तरफ से आने की कोशिश करे तो वह मशीन जो है उसको पता चल जाता है और इट स्टार्ट्स अलर्मिंग। और उसी के पास में यह जो पूरा गुट था, यह समूह था 4-5-6 लोगों का, 4-5-6 घुसपैठियों का, वह उसके पास ही जो है भारत की सीमा में आने की कोशिश कर रहा था, अबाउट 3.5 किलोमीटर फ्रॉम द LOC। और इसकी दूरी जो है वह 4 किलोमीटर से भी कम है LOC से। ए फायर फाइट एंश्यूड इन विच 1 टेररिस्ट वॉज किल्ड। वहीं घटनास्थल पर ही जो गोलीबारी हुई हमारे साइड से, वहाँ ही एक जो टेररिस्ट था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उसको मार दिया गया। BSF जवान वॉज ऑल्सो किल्ड इन एक्शन। यहाँ भी एक हमारी कैजुअल्टी हुई हमारे आर्मी पर्सनल की। श्रीनगर बेस्ड आर्मी स्पोक पर्सन कॉलोनियल राजेश कालिया सईद इज द ऑफिसर इन चार्ज, और उन्होंने ही जो है प्रेस से बात की और प्रेस को समाचार दिए। देखिए, यहाँ एक हमारे पास फोटोग्राफ मौजूद है जो कि LOC को दर्शाता है, और LOC के ऊपर जो हमारा जो सीमा प्रहरी है जो हमारी रक्षा कर रहा है उसको भी दर्शाता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जो बॉर्डर है, पहले इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान, वह दरअसल 3,323 किलोमीटर की है अप्रोक्सीमेट, राइट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। फिर आके पंजाब के साथ भी बॉर्डर लगती है, उसके बाद आके राजस्थान के साथ भी बॉर्डर लगती है, और उसके बाद हमारे गुजरात के साथ भी पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है। तो अगर जियोग्राफिकली मैप के मामले में इंटरनेशनल बॉर्डर, मैं इनिशियल से लिख रहा हूँ इंटरनेशनल बॉर्डर या बाउंड्री आप कुछ भी कह सकते हैं, तो पहले आएगा जम्मू एंड कश्मीर, फिर बाद में आएगा पंजाब, फिर आएगा राजस्थान, एंड आफ्टर दैट गुजरात आएगा। गुजरात इज अ लास्ट स्टेट शेयरिंग बॉर्डर विथ पाकिस्तान। और ये बात हुई ज्योग्राफिकली, और अगर हम लेंथ की दृष्टि से बात करें, बॉर्डर की लेंथ की दृष्टि से, बॉर्डर लेंथ, तो सर्वप्रथम आएगा जम्मू एंड कश्मीर, कोई फेरफार नहीं, शेयरिंग 1200 किलोमीटर प्लस बॉर्डर। उसके बाद आएगा राजस्थान विच इज शेयरिंग 1100 प्लस किलोमीटर ऑफ बॉर्डर। उसके बाद आएगा गुजरात जो कि 525 किलोमीटर के ऊपर पाकिस्तान के साथ अपनी जो सीमा है वह शेयर करता है, और लास्ट में आएगा पंजाब विच शेयर्स बियॉन्ड 400 किलोमीटर। तो दिस इज द सिनेरियो। इसमें से सबसे जो कठोर है जिस बॉर्डर को मैनेज करना वह है जम्मू कश्मीर का, एंड ड्यू टू इट्स ओन टोपोग्राफी
इट्स अ नेचुरल रीजन, नेचुरल रीजन की वजह से वहाँ की जो टोपोग्राफी है, वहाँ का जो स्थानिक भूगोल है वह अधिक रूप से कठोर है, उसको मैनेज करना बड़ा ही एक टास्क हम कह सकते हैं। अब उसके बाद द आर्मी गन फाइट स्टॉप्ड एट 4 AM, यानी कि 1 बजे से जो मुठभेड़ शुरू हुई थी वो जाकर 4 बजे तक चली। एज मोर ट्रूप्स ऑफ द आर्मी फ्रॉम 2 flanks ऑफ द माउंटेन रेंज वर रश्ड टू द एरिया फॉर सैनिटाइजेशन। जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ तो हमारा जो गुट था वहाँ, उन गुटों ने बैकअप के लिए जो है हेडक्वार्टर्स पर इन्फॉर्म किया होगा, और हेडक्वार्टर्स ने इन दो टुकड़ियों को, अन्य 2 टुकड़ियों को डायरेक्ट किया वही एरिया के लिए। सेकेंड कॉन्टेक्ट वॉज एस्टेब्लिश 10:20 AM। दूसरे दिन सुबह फिर से दोनों के बीच में जो है घर्षण शुरू हुआ, दोनों पक्षों के बीच में, यानी कि हमारे सैन्य बल और वहाँ से जो घुसपैठी थे, जो तक में बैठे थे कि कब हमें मौका मिले और कब हम भारत में घुस जाए। When heavy fire was drawn by our search parties approximately 1.5 km from the LOC. In the ensuing firefight, 2 more terrorists were killed. दो और टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, मार दिया गया। Our own troops suffered 3 casualty and 2 more were injured. हमारे साइड भी 3 जो है मौत हुई है, 3 जो है शहीद हुए हैं हमारे जवान भी, और 2 जो है वे इंजर्ड हुए हैं। The injured were evacuated to the hospital, Colonel Kalia said. Colonel Kalia जो है वह दरअसल हाल ही में इंडियन आर्मी में जम्मू एंड कश्मीर में उसकी पोस्टिंग है और वह सिख है। देखिए यहाँ हमारे पास मैप है जिसमें हमें कुपवाड़ा और माछिल सेक्टर जो है वह दृश्यमान होता है। देखिए दिस इज कुपवाड़ा, और कुपवाड़ा से थोड़ा ही नॉर्थ में माछिल सेक्टर पड़ता है जहाँ यह इन्फिल्ट्रेशन बिड हुई थी, या सिंस इंडिपेंडेंस यह जो एरिया है यह बहुत ही अफेक्टेड है, बहुत ही प्रभावी है पाकिस्तान से या पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद से। मैं भी आपको अनुरोध करता हूँ कि आप कश्मीर का मैप खोलें और उसमें से हर रोज़ 1 या 2 जिले जो है उसको एकदम बारीकी से, एकदम नज़दीक से देखें अपनी आँखें और अपने दिमाग को खोल के। कई सारे डिस्ट्रिक्ट से और कई सारे उसमें सब सेक्टर से जो कि आर्मी ने अपनी सरलता के लिए की है, अपने ऑपरेशनल की सरलता के लिए। हालांकि वह जो सेक्टर का मैप है वो हमें पब्लिक डोमेन में नहीं मिल सकता, मगर जो डिस्ट्रिक्ट का, जो तहसील का मैप है वो हमें अवश्य मिल सकता है। तो आर्मी साइड इट हैड रिकवर्ड 1 AK-47 एजल्ट राइफल एंड 2 bags फ्रॉम 1 of the स्लेन मिलिटेंट्स। एक ने जो है सरेंडर किया और उसको करना पड़ा क्योंकि उसको डर लग गया था कि ये लोग मुझे 100% मार देंगे। द सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू टिल लेट ऑन संडे इवनिंग। सर्च ऑपरेशन बाद में पूरे एरिया को जो है सैनिटाइज करने के लिए चलाया गया और वो रविवार को देर रात तक चला। देखिए सीज फायर वायोलेशन भी शुरू हो गया है, तो इन्फिल्ट्रेशन बीड थी जो कि प्रॉक्सी वॉर है, जो कि पाकिस्तान प्रेरित है, मगर जो ये सीज फायर वायोलेशन है इट इज़ 100% डन बाय पाकिस्तानी रेंजर्स, यानी कि पाकिस्तानी मिलिट्री के द्वारा ही यह सीज फायर वायोलेशन होते हैं। और यूनाइटेड नेशन के आदेश के बाद कई बरसों तक पाकिस्तान जो है वह सीज फायर वायोलेशन करता आया है कोई भी जो है शर्म के बिना। वेल अब तो हमने भी सीख लिया, हम भी उसका जड़बातोड़ जवाब भी देते हैं, मगर ये बात हमने सीखी पिछले 8-10 सालों में, पाकिस्तान जो है वह सिंस इंडिपेंडेंस हमारे ऊपर जो है दबाव बनाता आया है सीज फायर वायोलेशन करके। द BSF स्पोक्समैन सेड द रिमेनिंग मिलिटेंट्स मे हैव मैनेज्ड टू हाइड इन द अनड्यूलेटिंग टेरेन। एट द सेम टाइम पाकिस्तान पोस्ट स्टार्टेड सीज फायर वायोलेशन इन सपोर्ट ऑफ इन्फिल्ट्रेटिंग मिलिटेंट्स, द स्पोक्समैन सेड। स्पोक्समैन ने बोला कि भाई पाकिस्तान जो है उसके द्वारा शस्त्र विराम भंग जो है वह कर दिया गया है, वो निरंतर गोलियां छोड़ता रहा है और इसलिए छोड़ रहा है कि यह जो घुसपैठियों की जो प्रयत्न है ये उसको सपोर्ट करता है, उन लोगों को भारत में घुसाना चाहता है। और ऐसा भी लगता है कि जो बचे हुए जो घुसपैठी थे वे कहीं छिपने में सफल हो गए ऐसी कश्मीर की ऐसी कठोर भूगोल में या स्थानिक भूगोल में।
Sources in the security agency said Sunday's incident was a major infiltration bid. There were apprehensions that they may be still hiding in the area and may might be have returned to Pakistan occupied Kashmir. Official source said. Official source ने claim किया कि this is the largest infiltration bid. और आगे इसमें जिक्र आएगा मार्च 31 के बाद यह सबसे बड़ी जो है घुसपैठ का प्रयत्न था जो पाकिस्तान के साइड से तरफ से हो रहा था. The Sunday's infiltration is second biggest bid since March 31st this year when a group of five militants killed five soldiers in the Karen sector of Kupwara. यही कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में ही यह बनाव भी जो है घटित हुआ था और उसी के तहत पांच आतंकवादियों ने हमारे पांच मिलिट्री पर्सनल को यानी कि जवान को सशस्त्र बल के जवान को मार दिया था. तो उससे बड़ी इस साल यह सबसे बड़ी बीड होगी जिसमें हमारे चार जवान जो है वे शहीद हुए वीरगति प्राप्त किए हैं. इट कम्स जस्ट डेज अहेड ऑफ फोरकास्ट ऑफ ए स्नोफॉल इन अपर पासेज इन नॉर्थ एंड साउथ कश्मीर. जैसे जैसे विंटर आएगा वैसे वैसे इन घुसपैठियों की जो संख्या है वह बढ़ती जाएगी और इन लोगों के द्वारा जो प्रयत्न है उन प्रयत्नों की संख्या भी बढ़ती जाएगी क्योंकि एक तो कठोर स्थानिक भूगोल है ही मगर उसमें से जो सर्दी आएगी और सर्दी में हमें पता है कि कश्मीर जो है वह एकदम बर्फ की चादर के नीचे जो है दब जाता है तो उसमें इन लोगों के लिए थोड़ा बेनिफिट रहेगा घुसपैठियों के लिए और यह समय का ये लोग भरपूर उपयोग करते हैं. इस वर्ष करेंगे ऐसा नहीं है प्रतिवर्ष करते आए हैं. वह एक स्ट्रेटजी ही है कि जैसे जैसे सर्दी आती जाए तो सर्दी आए तो क्या होता है हमारी जो फोर्सेस है वे भी थोड़ी जो है सुस्त हो जाती है. मैं उन लोगों की इच्छा शक्ति या उन लोगों के जो है कार्य के ऊपर शंका नहीं कर रहा हूँ मगर इट्स एक्चुअली अ नॉर्मल थिंग. मनुष्य मात्र के लिए वह एक स्वाभाविक सी एक सामान्य सी बात है और इसी का फायदा लेते हुए वे सर्दी में वे लोग और भारत में घुसने का प्रयास करते हैं. तो BSF identified the deceased जवान as Constable सुदीप कुमार. इसमें कॉन्स्टेबल की भी मौत हो गई और एक आर्मी ऑफिसर भी जो है शहीद हो गया. देखिए अब हमारे पास एक कश्मीर का मैप है जो मैप में हमारा नया मैप है और इस मैप के तहत हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे. जो येलो वाला पोर्शन है पूरा का पूरा यह पोक है जहाँ तक पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की सेना जो है वो 1947 में वहाँ तक आ गई. हमारे जवाहरलाल नेहरू शांति का संदेश लिए यूएन में पहुँचे और यूएन ने बोल दिया कि आप टाइम प्लीज हो जाओ जो जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा हो जाओ कोई वहाँ से हिलेगा नहीं. तो पाकिस्तान वाले इधर तक घुस गए थे ये लाइन तक विच टर्म्ड एज LOC. अगर जवाहरलाल नेहरू ने तब जवाब दिया होता तो आज हमारा जो नक्शा है वह नक्शा थोड़ा अलग होता थोड़ा भिन्न होता थोड़ा बड़ा होता. ये बाजू पूरी लेह की है और ये जो 21 जो आपको ग्रीन दिख रहा है यह पूरा कारगिल सेक्टर है जहां कारगिल की लड़ाई हुई थी 1991 की प्रसिद्ध लड़ाई जिसमें हमारी शानदार जीत हुई थी और पाकिस्तान की एक शर्मजनक हार हुई थी. दो इट वॉज नॉट ए फुल फ्लेज वार मगर पाकिस्तान को अपनी अपना स्थान दिखाने के लिए यह एक बहुत ही बड़ी वार थी. देखिए अब यह सेक्टर है सब यह डिस्ट्रिक्ट है तहसील का मैप है और सभी डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है वो भी हमें दिए गए हैं नंबर के साथ. ये सब साउदर्न कश्मीर के है फिर मध्य कश्मीर आएगा और इसी तरह उत्तर कश्मीर आएगा. कथुआ है जम्मू है सांबा है उधमपुर रियासी राजौरी पुंछ डोडा रामबन किश्तवाड़ अनंतनाग कुलगाम पुलवामा शोपियान बडगाम श्रीनगर गंदरबल बंदीपोरा बारामुल्ला कुपवारा. तो दिस आर द सेक्टर्स या कह लीजिए दिस आर द डिस्ट्रिक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट जम्मू एंड कश्मीर और यही सब डिस्ट्रिक्ट है जो एकदम प्रभावित है पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद से पिछले कई वर्षों से. देखिए एक सुमंत्रा बोस जी की एक बुक है जिसका नाम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है रूट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है कश्मीर रूट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम पाथ्स टू पीस ऐसा टाइटल है और उसी में एक एस्टिमेट दिया गया है और उस एस्टिमेट के तहत दो जो है दिए गए हैं हमें. उसके तहत पहला एस्टीमेट जो है वह हमारे बाजू से है इंडियन साइड यानी कि जो हमारी सरकार के द्वारा जो अनुमान किए गए हैं
उसके आंकड़े आएंगे यहां, और इस बाजू हुरियत के द्वारा जो अनुमान दिए गए हैं उसकी बात होगी। तो अकॉर्डिंग टू अस 40,000 कैजुअलिटी और इस बाजू 80,000 कैजुअलिटी हुई है ओवरऑल फ्रॉम द बिगिनिंग टिल डेट, एंड दिस इज एक्चुअली एस्टिमेट। तो हम लोग उसी तरह से इसको याद रखेंगे, एब्सोल्यूट आंकड़ा नहीं है, मगर एक हमारे आइडिया को जो है एक हमारी समझ बनाने के लिए ये आंकड़े है। दूसरी बात, ये मरने वाले लोग जो थे उसमें सिविलियंस थे, यानी कि नागरिक थे, कश्मीरी नागरिक थे, पोक में रहने वाले नागरिक थे, हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के जवान थे, फोर्सेस पर्सोनल और इस्लामिक जिहादी थे। सब जो करनी है वह पाकिस्तान की है, मगर जो लोग भुगत रहे हैं वे कश्मीर के नागरिक भुगत रहे हैं, पोक के नागरिक भुगत रहे हैं, हमारे लिए हमारे रक्षा के लिए जो खड़े हैं हमारे जवान हैं वे भी भुगत रहे हैं, और जो टेररिस्ट आते हैं यहाँ उन लोगों के जो माँ बाप होते हैं वे भी भुगत रहे हैं। अगर आप लोग कश्मीर को बारीकी से देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि कश्मीर में लिटरली आज के दिन इन दिस 21st सेंचुरी जो बच्चे होते हैं उसको बेच दिया जाता है जो है इन आकाओं को, और वे ये जो आका है वे से लिए गए पैसे से लिए गए बच्चों को आतंकवादी ट्रेनिंग देते हैं और उनको भारत के विरुद्ध जो है तैयार करते हैं भारत के ऊपर हमला करने के लिए, और यहाँ आते हैं तो हमारी जो सेनाएं होती है वे उनको मार देती है। तो आप लोग समझ सकते हो कि वहाँ की जो आवाम है वो आवाम भी इन हरामियों की वजह से एकदम उसकी जो परिस्थिति है वो भी एकदम ख़राब है। दूसरी बात, अगर नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ की बात करें कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है तो कौन कौन सी फोर्सेस कश्मीर में एक्टिव है या ऑपरेशनल है, तो इसमें 6-7 नाम हम लोग दे सकते हैं जिसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। सर्वप्रथम रहेगा BSF जो कि जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की बॉर्डर जो है 1200 किलोमीटर प्लस की उसकी रखवाली करता है, उसकी निगरानी रखता है। दूसरे हमारे CRPF के जवान, CRPF इट इज एक्चुअली इंडियाज लार्जेस्ट पैरामिलिट्री, भारत की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री है और इंडियन आर्मी को बहुत ही मदद रूप होती है कश्मीर जैसे मामलों में। कश्मीर भी है हमारा, नॉर्थ ईस्ट है वो भी कोई कम नहीं है। कश्मीर जो है वह एक पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादी समस्या से जूझ रहा है। वेल, जो हमारे ईशान कोणीय राज्य है वे दरअसल माओवादी की पीड़ा से परेशान है। CRPF हो गया, अब उसके बाद होगा इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के बाद इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के बाद हम लोग ले सकते हैं सेंट्रल IB यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके बाद हम लोग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को गिन सकते हैं, और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का IB राज्य का इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो यह सारी एजेंसियां हैं जो कश्मीर में आतंकवाद को एकदम खत्म करने के लिए काम कर रही है, तो स्वाभाविक है कि इन सबके बीच में एक संकलन जो है वह एकदम ज़रूरी है, तभी ये सब जो है वे सफल होंगे। और नया जो मैकेनिज्म है जो कि NDA एरा में लागू किया गया है कश्मीर के मामले में, वो मैकेनिज्म ऐसा ही है, एक कॉमन स्टैंड है इन सब एजेंसियों को, और वो एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी के रूप में काम करेगा और इन सब एजेंसियों के बीच में कोऑर्डिनेशन करेगा। इसके बाद अगर हम आंकड़े की बात करें तो एवरेज एक हमारे पास एक अनुमान है कि लगभग पूरे साल में लगभग 842 जो टेररिस्ट होते हैं वे भारत में घुसने की कोशिश करते हैं या घुसते हैं, इन्फिल्ट्रेटर।
मुझे लगता है कि यह हमारी सेना जो है वो इतनी सक्षम है कि 842 को वहीं के वहीं वो जो है उनका प्लान जो है वो विफल करके मार देती होगी। तो दिस इज द सिनेरियो। तो हमें यही पूरे माहौल में रहना है और हम लोग समझ सकते हैं कि यह पूरे माहौल में रहने के लिए कितने संसाधन हमारे सैन्य बलों को आज के समय जो है चाहिए होते हैं इन परिस्थितियों के सामने निपटने के लिए, इन परिस्थितियों के सामने टिकने के लिए। हमारी सरकार जो है वो पानी की तरह पैसा जो है वह कश्मीर के मुद्दे पर बहाती है। ये कोई NDA UPA की सरकार की बात नहीं, प्रत्येक सरकार की बात है जो सत्ता में आई है उसको करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारा देश है, हमारी सीमा है, हमारे जवान है, तो उनको बचाने के लिए हमें पैसा जो है वह खर्च करने पड़ते हैं। अगर इसी जगह शांति हो तो मुझे लगता है कि हमारे कई सारे जो संसाधन है उसे हम बचा पाएंगे और अच्छी जगह पर उसका उपयोग जो है वह कर पाएंगे, जैसे शिक्षा हो या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो या इलेक्ट्रिफिकेशन हो, गरीबी का उन्मूलन करना हो, इन जगहों पर हम लोग उसको उपयोग कर सकते हैं। वो फंड आज इन सालों से बचने के लिए हमें उपयोग करने पड़ते हैं, हमारी सरकारों को उपयोग करना पड़ता है। उसके बाद अगर इंसर्जेंसी की बात करें जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, तो जो कोर इंसर्जेंसी थी वह दरअसल 1988 से शुरुआत उसकी हुई थी और आज दिन तक हम उसे महसूस कर सकते हैं 1988 से। वैसे तो 1947 से अशांति का माहौल है, मगर जो इंसर्जेंसी थी, जो पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद था, वो दरअसल 1988 से शुरू हुआ। और ISI का जो जिक्र किया हमने, वो ISI दरअसल पर्दे के पीछे रहता है और अपने लिए जो खिलाड़ी है उसको तैयार करता है। उसके खिलाड़ियों में कई सारे नाम हम लोग देख सकते हैं, जैसे प्लेयर्स ऑफ ISI, जिसमें हम लोग कई सारे नामों का जो है उपयोग कर सकते हैं, जिसमें सबसे प्रथम रहेगा लश्कर तैयबा, या आप कह लीजिए लश्कर जिहाद। ये नया आउटफिट है और कश्मीर में और पोक में सक्रिय है, भारत के कश्मीर में और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, दोनों में सक्रिय है और कश्मीरियों को या पोक में रहते नागरिकों को जो है रिक्रूट करता है, आतंकवाद की ट्रेनिंग देता है, भारत में हमला करने के लिए भेजता है। उसके बाद हक्कानी नेटवर्क, उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन, उसके बाद कश्मीर मुजाहिदीन, कई सारे हैं, कोई माफी नहीं है। तो ISI जो है वे पर्दे के पीछे रहकर तैयार करता है और तैयार करने के बाद भारत के विरुद्ध उसको हमला करने के लिए भेजता है। तो दिस इज द सिनेरियो। देखिए आज के समय कश्मीर में आफ्सपा लगी हुई है और यह जो आफ्सपा है यह एक बहुत ही पावरफुल एक्ट है, कंट्रोवर्शियल भी है। कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि पावरफुल है और यह जो कानून है उस कानून के तहत मिलिट्री वालों को या हमारे सैन्य दलों को एक अबाधित सत्ता देता है यह पावर, और यही अबाधित सत्ता का जो उपयोग है यह हमारे सेनाबल जो है यह इन त्रासवादियों को मारने के लिए, इन त्रासवादियों को ढूंढने के लिए करते हैं। कश्मीर में 1990 से लागू है, ये हमें बात याद रखनी है। अफ्सपा सिंस 1990 इन कश्मीर। देखिए यह लॉ जो है यह ब्रिटिश कालीन लॉ है, अंग्रेजों के समय में बनाया हुआ लॉ है और लिन लिथगो के द्वारा इसका प्रथम प्रयोग हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत, जो अगस्त क्रांति है उसको शांत करने के लिए, उसको खत्म करने के। तो इट वाज द फर्स्ट टाइम इन क्विट इंडिया मूवमेंट व्हेन दिस एक्ट वाज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड। उसके बाद आज कई सारे राज्य में जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हमारे केंद्र सरकार के द्वारा यह लॉ जो है वह दाखिल होता है। ज़रूरत पड़ने का मापदंड है और इसके लिए डिस्टर्ब एरिया एक्ट 1991 की जो है उसके तहत जिस प्रदेश को डिस्टर्ब एक्ट घोषित किया जाएगा उस प्रदेश में आफ्सपा जो है वह लागू हो जाएगी और जो सैन्य बल है हमारे उनके उनकी जो सत्ता है वह बाधित हो जाएगी, उन लोगों को कई सारी सत्ता जो है वह मिल जाएगी यह अशांत परिस्थिति को शांत परिस्थिति में परिवर्तित करने के लिए। डिस्टर्ब
एरिया एक्ट, जो एरिया जो प्रदेश डिस्टर्ब्ड घोषित होगा वहां आफ्सपा लागू होगी। आजादी के बाद आज दिन तक कई सारे प्रदेशों में आफ्सपा जो है वह लागू हो चुकी है, जिसमें हम नागालैंड का जिक्र कर सकते हैं, पंजाब को गिन सकते हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जहां भी अशांत प्रदेश हो वहां आफ्सपा जो है वह लागू होती है। और जैसे मैंने बताया कि आफ्सपा जो है वह पावरफुल एक्ट है, जहां आफ्सपा लागू होती है वहां आर्टिकल 13(2) अपने आप समाप्त हो जाता है। कौन सा है आर्टिकल 13 सब क्लोज टू, यह हमें मालूम होना चाहिए। और यह आर्टिकल जो है वह दरअसल वो बताता है कि ऐसा कोई भी कानून नहीं गढ़ा जाए, या ऐसा कोई कानून जो है वो नहीं गढ़ा जा सकता जिससे हमारे संविधान का जो भाग 3 है, जो कि मूलभूत अधिकार है, उसको हनन करता हो, उसको वायोलेट करता हो, उसका उल्लंघन करता हो। ऐसा कोई भी कानून जो है वह नल एंड वॉइड कहा जाएगा। मगर जहां यह मार्शल लॉ लागू होता है, आफ्सपा लागू होता है, तो ऑटोमेटिक यह जो आर्टिकल है वह अपने आप ही समाप्त हो जाता है। दूसरी बात, इसके जो मुख्य प्रावधान की बात करें आफ्सपा की, तो कई सारे मुख्य प्रावधान है, जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन की प्रोविजन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बाद नो सर्च वारंट की प्रोविजन है, उसके बाद नो 5+ पीपल असेंबली की बात है, 5 लोगों के ज्यादा लोग जो है वे जमा नहीं हो सकते, जो हमारा इंडिविजुअल वेपन लाइसेंस है वो भी जो है खारिज हो सकता है। तो कई सारी प्रोविजन है पूरे लॉ में, जिसके तहत मिलिट्री की जो सत्ता है वह कई गुना बढ़ जाती है और अशांत क्षेत्र में उन लोगों को कार्य करने के लिए सरलता मिलती है। तो दिस वॉज फॉर टुडे। हमने कश्मीर देखा, कश्मीर की हालत देखी, जो अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज थे कि इन्फिल्ट्रेशन बिड को हमने सक्सेसफुली फॉल कर दिया, जिसमें हमारे 4 जवान जो है वे वीरगति को प्राप्त किए। उसके बाद हमने कश्मीर का एस्टिमेट देखा कि जो कैजुअल्टीज है, नंबर ऑफ कैजुअल्टीज फ्रॉम बोथ द साइड, चाहे वो नागरिक की हो, चाहे वो सैन्य बल की हो, चाहे वो घुसपैठियों की, घुसपैठ आतंकवाद की हो, वो सभी का एस्टिमेट हमने देखा। उसके बाद हमने आफ्सपा की बात की, डिस्टर्ब्ड एरिया की बात की, कहाँ आफ्सपा लग सकता है, आफ्सपा के प्रावधान भी हमने एकदम जो है क्विकली देखे। तो आज के लेख में इतना ही, नेक्स्ट समय मिलेंगे अगले अभ्यास के साथ, अगले विषय के साथ। तो तब तक देखते रहिए ग्रोथ मोड UPSC। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।